أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين हर किस्म की हम्द व बुज़ुर्गी किबरियाई तहमीद तमजीद तकदीस तहलील तकबीर अल्लाह सुबहानहु व ताला के लिए है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरुद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलातु वसलाम का वाक़िया उन्हीं के नाम से मासूम एक सूरत में तफसील के साथ बयान किया है। ये वाक़या हमारा मौजू नहीं है। आज सूरह यूसुफ़ की ये जो दो आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं इनके अंदर जो मानी और मफाहीम पोशीदा हैं अहले इल्म ने इसकी जो तफसीर बयान की है और इसमें जो अकीदे और आमाल से मुतल्लिका अहकाम व मसाइल हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल और तौफीक से बयान किए जाएंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत यूसुफ़ के और भी भाई थे और ये कुल 12 भाई थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बचपन से ही इनके साथ हसद शुरू कर दिया कि हमारे वालिद हमारे छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं और हमसे कम करते हैं, और इस हसद की बिना पर उन्होंने मुख्तलिफ साजिशें तैयार करना शुरू कर दी, जिनमें से एक साजिश यूसुफ़ के कत्ल की भी थी। लेकिन फिर इसको छोड़कर उन्होंने ये प्लान बनाया कि यूसुफ़ को किसी अंधे कुएं में किसी गहरे कुएं में फेंक दिया जाए ताकि हमारे बाप की नज़रों से वो दूर हो जाए और फिर बाप का सारा प्यार हमें मिल सके। और ये सारा मामला हसद की बुनियाद पर हुआ। हसद ये इंसान के दिल की अंदर की एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। और दुनिया में सबसे पहला हसद जो किया था वो इब्लीस ने किया था, शैतान ने किया था, कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फ़रिश्तों को हुक्म दिया उस जुदूल आदम आदम को सजदा करो, तो ये शरफ़ और ये मकाम जो अल्लाह ने हज़रत आदम को अता फ़रमाया इब्लीस से ये बर्दाश्त न हो सका
और वो हसद में आ गया और हसद की वजह से उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, तकब्बुर में आ गया, अनानियत का शिकार हो गया कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। और फिर सजदे से इनकार की वजह से न सिर्फ ये कि रजीम यानी रांदा दरगाह बन गया बल्कि अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया, मलऊन बन गया, रजीम बन गया और जहन्नम का ईंधन बन गया। और ये हसद आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में भी आ गया, झगड़ा हुआ, कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हुई दूसरे की कबूल ना हुई, जिसकी कबूल नहीं हुई उसने हसद किया, भाई मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई, तेरी हो गई है, गुस्से में आ गया और हसद की वजह से अपने भाई का कत्ल कर दिया। हसद ही इंसान को बहुत से गुनाहों की तरफ ले जाता है। पहला हसद इबलीस को अल्लाह की मासीयत और नाफरमानी की तरफ ले गया, दूसरा हसद जो आदम के दो बेटों में से एक ने किया वो अपने भाई के कत्ल के ऊपर जाके मुंतज हुआ। उसका नतीजा क्या निकला कि हसद का शिकार होकर उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस में इरशाद फरमाया, ला तहासदु, ईमान वालो तुमने आपस में एक दूसरे पे हसद नहीं करना। यह हसद ये इंसान के अंदर की बहुत बुरी बीमारी है। और सुनन नसाई के अंदर एक हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यजतबउ फी जौफ अब्दिन अल ईमान वल हसद, किसी बंदे के दिल के अंदर, किसी बंदे के पेट में ये दो चीज़ें जमा नहीं हो सकती, ईमान और हसद, ये एक दूसरे के मुतजाद हैं, मुखालिफ हैं। ईमान अगर कामिल है, मजबूत है, पूरा है तो हसद नहीं होगा, और अगर हसद है तो फिर ईमान में कोई कमी है, कोई ख़राबी है, कोई कमज़ोरी है, कोई नक्स है, या तो सिरे से है ही नहीं। जैसे यहूद, अहले किताब का एक ग्रोह यहूद, उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान न लाने की वजह भी हसद ही था। अल्लाह फरमाते हैं, वद्द कसीरुम मिन अहल किताब लो युरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफारा हसदम मिन इंद अनफुसहिम, बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं, ये तुम्हारा ईमान उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो क्या चाहते हैं कि ईमान के बाद तुम्हें दोबारा कुफर की तरफ लौटा दें, तुम्हें दोबारा काफिर बना दें। उनके दिल हसद की आग से जल रहे हैं कि ये ईमान की नेमत ये तो हमें मिलनी थी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बनी इसराइल में आना था, वो ये उम्मीदें लगा के बैठे थे, ये बनू इस्माइल के अंदर आ गया। यही वजह उनके हसद और इनाद का बन गई, उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। न सिर्फ़ ये कि ईमान लाने से इनकार कर दिया, हर तरह के हीले, हरबे, साजिशें और चालें चलीं, किसी तरह ईमान और अहले ईमान को कमज़ोर किया जाए, इन्हें नीस्तो नाबूद किया जाए। वजह क्या थी? हसदम मिन इंदी अनफुसहिम, अपने दिलों में हसद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी करार दिया। और जब सीना इंसान का हसद से पाक हो जाता है, अल्लाहु अकबर, तो फिर जन्नत की बशारतें मिलती हैं। मुसनद अहमद में एक हदीस आती है, सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं, रसूलुल्लाह देख रहे हैं कि दूर से मेरा सहाबी आ रहा है, फरमाते हैं अभी अभी तुम्हारे पास एक जन्नती इंसान आने वाला है, और थोड़ी देर बाद वो सहाबी तशरीफ ले आते हैं, मजलिस में पहुंच जाते हैं। एक दफ़ा नहीं, एक दिन, दो दिन, मुसलसल तीन दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से उस सहाबी के जन्नती होने की गवाही दी कि ये अभी अभी तुम्हारे पास जो आ रहा है ये कौन है, ये जन्नती इंसान है। मजलिस के अंदर अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सहाबी रसूल, हदीस से मोहब्बत रखने वाले, नबी की हदीसें लिखने वाले, हदीसें याद करने वाले,
सुन्नत से मोहब्बत रखने वाले मौजूद थे। चुपके से तीसरे दिन जब रसूलुल्लाह की ज़ुबान मुबारक से उसके जन्नती होने की बशारत सुनी, वो जब शख्स उसके उठ के मजलिस से जाने लगा, उसके पीछे चल दिए और जा कर के दरख्वास्त की कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं आपके पास कुछ दिन रहना चाहता हूँ। एक दिन, दो दिन, तीन दिन रहे और उनके मामूलात देखे कि मैं इसकी कोई नेकी देखूँ, कौन सी ये नेकी है जो ये करता है और हम नहीं करते, और रसूलुल्लाह इसके लिए जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। जब तीन दिन पूरे हो गए तो जाने लगे तो फिर अपना मुद्दा ज़बान पर ले आए कि मैं इसलिए आया था कि आपकी वो खुफिया नेकी जो आप करते हैं वो मैं देख सकूं, लेकिन मुझे कोई ऐसी और खुफिया नेकी नज़र नहीं आई। ये नेकियां तो सारी वो हैं जो हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। वो सहाबी आगे से जवाब देता है, जब उसे पता चला कि रसूलुल्लाह ने मेरे बारे में जन्नती होने की बशारत दी है, खुशखबरी सुनाई है, और जब अब्दुल्लाह बिन अमर पूछते हैं आपका कोई ख़ास अमल मेरी नज़रों से तो नहीं गुजरा, अगर कोई है तो आप बता दें, कहने लगे अमल तो वही है जो मैं करता हूँ, हाँ एक चीज़ है, ला अहसुदु अला अहद मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से किसी एक मुसलमान पर भी हसद नहीं करता, मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों में से किसी एक मुसलमान भाई और बहन के बारे में अपने दिल के अंदर कीना नहीं रखता। ये बात सुन के अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहने लगे, हादिहिल्लती बलगत बिका वहील्लती ला नुकीक, आपकी यही वो नेकी है जिसने आपको इतने बुलंद मकाम पे पहुंचा दिया कि अल्लाह के रसूल अपनी ज़ुबान मुबारक से आपके जन्नती होने की गवाहियां दे रहे हैं। और ये अमल बड़ा मुश्किल है, ये अमल बड़ा मुश्किल है। तो मोहतरम भाइयों, सबसे पहला सबक और मसला जो इन आयात से हमें मिलता है कि हसद इंसान से बड़े गुनाह करवाता है, बड़े गुनाह करवाता है। तो अपने सीनों को, अपने दिलों को हसद से पाक रखें। और जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास, बड़ी नेमतें अल्लाह की, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ज़ुबान से शुक्र, दिल से शुक्र, अमल से शुक्र। और जब इंसान शुक्र करना शुरू कर देता है तो फिर हसद की जगह दिल में बाकी नहीं बचती। हसद से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरीक़ा भी बताया, उन्ज़ुरु इला मन हुवा असफला मिनकुम वला तन्ज़ुरु इला मन हुवा फौकाकुम, कि हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखो, अपने से ऊपर की तरफ मत देखो। ऊपर की तरफ देखने का एक नुकसान तो ये कि दिल में हसद आता है, नाशुक्री पैदा होती है, और भी बहुत से नुकसान हैं। लेकिन हसद की एक वजह और हसद का एक सबब यही है कि इंसान अपने से ऊपर देखता है, अपने से नीचे नहीं देखता। फरमाया, नीचे देखोगे फहुआ अजदरु अल्लाह तजदरु नेमतल्लाहि अलैकुम, जो नेमतें अल्लाह ने तुम पर की हैं वो तुम्हें फिर हकीर मालूम नहीं होंगी, वो तुम्हें बड़ी लगेंगी, फिर तुम्हारी ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह के कलेमात निकलेंगे, तुम्हारा दिल अल्लाह का शुक्र बजा लाएगा, तुम्हारे आमाल शुक्र वाले हो जाएंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में फेंक के आ जाते हैं तो वहाँ से एक काफ़िला गुजरता है और काफ़िले के लोग पानी के लिए उस कुएं के करीब जाते हैं, और वहाँ से जब डोल बाहर आता है तो उसमें यूसुफ भी बाहर आ जाते हैं। वो काफ़िला मिस्र जा रहा है और काफ़िले के लोग उसे ग़ुलाम समझ कर, सामान तिजारत समझ कर साथ ले जाते हैं और मिस्र ले जा के बेच देते हैं। वक़ाल लदिश्तराहु मिन मिस्र लिमराती ही, अब मिस्र में एक इंसान उसे ख़रीदता है, ये अजीज़ मिस्र है, मिस्र का कोई ज़िम्मेदार बंदा है, मिस्र की निगरानी बादशाह तो नहीं है लेकिन बादशाह को कोई वज़ीर टाइप बंदा होगा, इसका नाम कोई नहीं कुरान करीम में आया। तो वो उसे ख़रीदता है और जा कर के अपनी बीवी के हवाले करता है। बाज़ लोगों ने उसकी बीवी का नाम ज़ुलैखा बताया लेकिन ये कोई नाम किताब सुन्नत के अंदर नहीं आया, इसलिए हमें भी क्यास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए, और जो नाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं बताए हमें उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कुरान ने उसे अज़ीज़ मिस्र का नाम दिया है, हम अज़ीज़ मिस्र कहें।
वो जा कर के अपनी बीवी से कहता है अक्रीमी मथवा, इसका ठिकाना बाइज्जत रख, असा अनफाना, हो सकता है यह हमें फ़ायदा दे, औनत तखिदहु वलदा, यह हम इसे अपनी औलाद बना लें। वकदालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्द, अल्लाह फरमाते इस तरह हमने यूसुफ को उस सरजमीन में जगह दी। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, ताकि हम उसे बातों की हकीकत का इलम, ख्वाबों की ताबीर का इलम, ये इलम हम उसे सिखाएं, उसे अता करें। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून, अल्लाह अपने हुक्म पर गालिब है, अल्लाह जो फैसला करना चाहता है उसे कोई रोकने वाला नहीं, अल्लाह जो काम करना चाहता है उससे कोई पूछने वाला नहीं। ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून, फ़ालुल लिमा युरीद, जो चाहता है कर गुजरता है। ला यखाफ उकबाहा, उसे कोई डर नहीं होता कि ये काम कर लूँगा तो इसका अंजाम क्या होगा। ये खौफ, ये अंदेशे हम इंसानों के जहनों में होते हैं, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, चाहे बड़े से बड़ा ओहदे वाला, सल्तनत वाला, मकाम मरतबे वाला बादशाह, अमीर, वजीर क्यों ना हो, अंदेशे होते हैं उसके दिल में। लेकिन अल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं वला या खाफ उकबाहा, अल्लाह को किसी का कोई डर नहीं है। फ़ालुल लिमा युरीद, लहुल मुल्क, बादशाही उसी की, लहुल हुक्म, हुकूमत उसी की, लम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्क, और इस बादशाही में उसका कोई शरीक भी नहीं है। गालिबुन अला अम्रिही, वो अपने फैसलों पे गालिब है, वो अपने हुक्म पे गालिब है, वो अपनी कुदरत पे गालिब है, उसकी कुदरत कामला जो चाहता है वो करता है। अला कुल्ल शैइन कदीर, अब देखें यूसुफ के भाई क्या चाहते थे कि यूसुफ को कुएं में फेंक आएंगे, मर खप जाएगा, बाप की नज़रों से दूर हो जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, हम बाप की नज़रों में नेक बन जाएंगे, हमारा बाप हमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। यानी वो यूसुफ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह, अल्लाह अकबर, कुएं की उस तन्हाइयों में अल्लाह फरमाते हैं हमने यूसुफ से कहा यूसुफ एक दिन आएगा, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून, आप उनके इस काम की उन्हें खबर देंगे और उन्हें शऊर नहीं होगा। कैसे कुएं से निकाले, मिस्र में पहुंचे और फिर बाजार में फरोख्त हुए, अजीज़े मिस्र के घर पहुंचे, वहां परवरिश हुई, और फिर क्या हुआ, वलम्मा बलगा अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब वो अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे अल्लाह फरमाते हैं हमने उन्हें हुक्म, कुव्वत फैसला और इलम अता किया। वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को हम ऐसे ही बदला देते हैं। और फिर एक इम्तिहान से निकले, दूसरे इम्तिहान में पड़ गए, अजीज़े मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ मायल करने की कोशिश की, गुनाह की दावत दी, क़ाला मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, अल्लाह की पनाह में आए, इनकार कर दिया, और फिर नाकर्दा जुर्म की सजा भुगती, जेल चले गए, फलाबी सफी सिजनी बिवासिनीन, कई साल जेल में रहे, और फिर जेल से निकले और दोबारा उसी मनसब के ऊपर, अजीज़े मिस्र के मनसब के ऊपर फायज़ हुए, और फिर भाई आए और भाई सामने शर्मसार खड़े हैं, तसद्दक अलैना की सदाएं लगा रहे हैं, यूसुफ हम पे सदका कीजिए, यूसुफ हम पे रहम कीजिए, शर्मसार हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून, बात समझ में क्या आई, अल्लाह अपने फैसलों के गालिब है, लोगों को समझ नहीं आती, लोग नहीं जानते, अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है, अल्लाह के इरादों में कोई चीज रुकावट बनने वाली नहीं है, अल्लाह चाहे, अल्लाह अकबर, तो क्या कर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम के बुत कदे में जाते हैं,
और बुतों को कुल्हाड़े से पाश पाश करते हैं, तो नतीजतन कौम के लोग उनके खिलाफ होकर आग का अलाव रोशन करके उसमें फेंकने की तैयारियां करते हैं। अब आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम क्या है? जलाना। आग जलाती है, हाथ करीब करें, कपड़ा करीब करें, लकड़ी करीब करें, वो जलाती है। लेकिन इब्राहिम को जब आग में फेंका गया तो क्या हुक्म आया? कुलना या नारुकुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग, तो इब्राहिम के ऊपर ठंडी और सलामती वाली बन जा। समझ में क्या आई? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून। पानी का काम क्या है? कोई शख्स पानी में जब डूबता है, गहराई में जाता है, सांस का सिलसिला बंद हो जाता है, बंदे को मौत आ जाती है, बंदा मर जाता है, पानी डबो देता है। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हैं और फिर कोरा डाला जाता है, कश्ती में वजन ज्यादा हो जाता है, कश्ती हचकोले खाने लगती है, कोरा यूनुस के नाम निकलता है, यूनुस को उठा के दरिया में फेंक दिया जाता है और फिर एक बहुत बड़ी मछली आती है, मछली यूनुस को अपने पेट में लेकर दरिया की गहराइयों में उतर जाती है। अब मछली है, उसका पेट है, मछली का पेट क्या करता है? हजम करता है। पानी क्या करता है? बंदे को डुबोता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजतें करने पे आए तो फिर कोई भी बाल बैका नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को जब वो मछली के पेट में समंदर की गहराइयों में, दरिया की गहराइयों में, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन फनज्जैनाहु मिनल ग़म वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। समझ के आई? वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून। अल्लाह के फैसले ग़ालिब होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनकी पैदाइश होती है तो वक्त के फिरौन ने, जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहलवाता है, ये मुनादी कर रखी है, ये ऐलान कर रखा है कि बनी इसराइल के घर जो बच्चा भी पैदा होगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। युज़बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम। अल्लाह मूसा की माँ को कहता है, वाओहैना इला उम्मी मूसा अनिक्ज़िफ़ीही फ़िल ताबूत, अपने बेटे को एक संदूक में डाल, फ़क्ज़िफ़ीही फ़िल यम, और फिर इस संदूक को दरिया में बहा दे, फ़लयुल्क़िहिल यम बिस्साहिल, और फिर ये संदूक क्या करेगा? बहता बहता जाके किनारे पे जा लगेगा। और कौन उठाएगा उसको? अदुवुल्ली व अदुवुल्ला, एक ऐसा शख्स जो मूसा का भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। मूसा की परवरिश कहाँ होगी? मेरे और मूसा के दुश्मन के घर में होगी। जो दुश्मन बनी इसराइल के बच्चों की जान खत्म कर रहा था, जान लेने के दर पे था, अल्लाह अकबर, उसी दुश्मन के घर क्या होता है जी? मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। और अल्लाह ने मूसा की माँ से वादा किया, इन्ना रादू हिले की वजा मुरसलीन, तूने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये बच्चा ये तेरी ही छाती का दूध पिएगा, आके इसे हम तेरी ही तरफ लौटाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं, वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, अब फिरौन ने बच्चे को उठा लिया और दाइयों की तलाश शुरू हो गई कि आए इस बच्चे की परवरिश के लिए कोई दाया ढूंढी जाए जो इसको दूध पिलाए, जिसका ये बच्चा दूध पी ले। हालांकि बच्चा जब भूखा होता है तो शीरख्वार बच्चा, उसे जो भी छाती मिले, उसे जहां से भी खुराक मिले, दूध मिले, वो पी लेगा। अल्लाह फरमाते हैं, हर्रमना, हमने हराम कर दिया। सारी दाइयां आती हैं, छाती से लगाती हैं, दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चा है कि दूध नहीं पी रहा। वहां फिर मूसा की बहन जो पीछा करते करते महल तक पहुंच गई, वो जाके कहती है, हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैती यकफुलूनहु लकुम वहुम लहु नासिहून, मैं एक ख़ानदान का पता बताती हूँ जो इस बच्चे की कफालत कर सकता है। और जब पता बताया तो अपने ही घर का, अपनी ही माँ का पता बताया कि वो औरत है और वो इस बच्चे को दूध पिलाएगी, वो इसकी कफालत करेगी और इसकी खैर खाई करेगी। अल्लाह का वादा पूरा हो गया,
कि मूसा की माँ ये बच्चा वापस तेरी गोद में ही आएगा। ला तखाफी वला तहजनी वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून। अल्लाह कैसे कैसे फैसले करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को मिस्र से लेकर निकलते हैं तो पीछे फिरौन अपने लश्करों के साथ मूसा और उनकी कौम का पीछा करता है। चलते चलते अचानक सामने दरिया आ जाता है। क्या आ जाता है? दरिया आ जाता है। अब मूसा की कौम परेशान है, बनी इसराइल परेशान है। इन्ना लमुद्रकून, मूसा अब हम पकड़े गए, ये पीछे फिरौन के लश्कर आ गए, आज तो हम बचने वाले नहीं हैं। पहले तो फिर भी हमारी जानें बची हुई थी, कोई गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, अब आगे दरिया है, दरिया में कूदें उधर भी मौत, पीछे फिरौन का लश्कर है वो आ गया तो फिर भी मौत, हम तो पिस गए। मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? काला कल्ला इन्ना मईया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। पानी का काम डबोना है और उसका काम रास्ते बनाना है। मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह का हुक्म आ गया, फद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कत्तौदिल अजीम। ए मूसा समंदर पे लाठी मारिए। लाठी मारी तो वो समंदर, वो दरिया थम गया, वो लहरें रुक गईं और बड़े बड़े जो लहरें थी बड़े बड़े पहाड़ की शक्ल में ऐसे फिजा के अंदर मुअल्लक हो गई, खड़ी हो गईं। कौन कर रहा था? वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी ला यालमून। गुजर गए, मूसा भी गुजर गए, मूसा की कौम भी गुजर गई। समंदर दरिया थमा हुआ है, रुका हुआ है, वो पहाड़ों जैसी मौजें खड़ी हैं। फिरौन और उसके लश्करी देखते हैं, ये तो भाई गुजर गए, ये तो हमारे हाथों से निकल गए। पीछे पीछे हुक्म दिया, खुद भी कूद पड़ा और लश्कर को भी दरिया में जाने का हुक्म दिया, भी रास्ता तो बना हुआ है, चलो इनका पीछा करो। लेकिन जैसे ही सारे दरिया के अंदर पहुंचे, अल्लाह फरमाते हैं फअग्रकनाहु फिल यम, दरिया फिर से चल पड़ा, रास्ते बन गए और हमने उसको अना रब्बुकुमुल आला कहने वाले को, फिरौन को जलील रुस्वा कर दिया और समंदर के अंदर डबो दिया, गर्क कर दिया, निशाने इबरत बना दिया। फल यौम नुनज्जी कभी बदानी का लितकून लिन्नास आया, रहती दुनिया तक के लिए एक अलामत, एक निशान और एक इबरत बना दिया। अल्लाह अकबर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सफर हिजरत में है, गारे सौर के अंदर पना ली हुई है। मुशरिकीन मक्का ऐलान करते हैं कि जो कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा 100-100 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में लोग निकलते हैं और गारे सौर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक परेशान है और परेशान हो के कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये हम इनके कदमों को देख रहे हैं, अगर किसी ने थोड़ा सा नज़र डाल के नीचे देख लिया ना तो हम तो पकड़े जाएंगे। अल्लाह अकबर। जवाब क्या आता है? ला तहजन इन्नल्लाह मअना। ए अबू बकर गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये कुरान की आयत है और हदीस के अल्फाज हैं, मा जन्नुका बिस्नैन सालिसुहुमा अल्लाह। ए अबू बकर उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? तो जब अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, ये देख नहीं पाएंगे। सुराका बिन मालिक गार से निकले तो अपने घोड़े पे सवार बिल्कुल करीब पहुंच गया और आवाजें उसकी आ रही थी, रुकने के लिए कह रहा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सुराका की करीब पहुंच गया, ऊंट पर सवार हैं, घोड़ी की रफ्तार तेज है, अब हम पकड़े जाएंगे और ये हमें पकड़ के ले जाएगा कुरैश की मजलिस में। अल्लाह के रसूल बड़े मुतमइन हों, फिर जवाब देते हैं वही, मा ज़न्नु कबिस्नैन सालिसुहुम अल्लाह, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? अल्लाह की मदद आती है। सुराका के घोड़े के जो घुटने हैं, पांव हैं, वो घुटनों तक जमीन के अंदर धंस जाते हैं, घोड़े से गिर पड़ता है, फिर जोर जोर लगा के घोड़े को उठाता है और फिर पीछा करता है, फिर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पांव जमीन, घोड़े ने अंदर जाने से इनकार, आगे जाने से इनकार कर दिया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नासी
ला यालमून। जब अल्लाह हिफाजतें करने पे आ जाए तो पूरी कायनात मिलकर भी इंसान का कुछ नहीं कर सकती। और यही बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें समझाई है जो सुनन तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं और आपके अहले बैत में से भी हैं। वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुखातिब करके कहते हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ए लड़के ए बेटे मैं तुझे कुछ बातें सिखाता हूँ, यनफाकल्लाहु बिहिन, अल्लाह तुझे इन बातों से फ़ायदा देगा, इनको याद रखना, मेरी इन बातों को याद रखना, इन बातों से अल्लाह तुझे फ़ायदा देगा। और यही वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह इसे किताब का इलम दे, अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा, अल्लाह इसे हिकमत अता फरमा। और फिर इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम बने कि तर्जमानुल कुरान, सहाबा में से तर्जमानुल कुरान का लकब पाया, हबरुल उम्मा, उम्मत के बड़े आलम, ये दो लकब हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के। तर्जमानुल कुरान का एजाज भी आपके पास है और हबरुल उम्मा, उम्मत के बड़े आलम। वो बातें क्या हैं? इहफज़िल्लाह यहफज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह को याद रख, अल्लाह की तरफ ध्यान लगा, अल्लाह की तरफ तवज्जो रख, अल्लाह को हर वक्त अपने दिलो दिमाग में मौजूद रख। यहफज़का, अल्लाह तेरी हिफाजतें करेगा, तो अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरी हिफाजतें करेगा, अल्लाह को याद रख। तजिद हो तुजाह का, तजिद हो अमामा का, तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा, ऐसे अल्लाह को याद रख। व इजा सअलता, और जब तेरे दिल में हर वक्त अल्लाह की याद होगी, अल्लाह पर तेरा तवक्कुल होगा, अल्लाह की तरफ तेरी इनाबत होगी, अल्लाह की तरफ तेरा रुजू होगा, अल्लाह की तरफ तेरा तजर्रो होगा। व इजा सअलता फसअलिल्लाह, तू मांगता जाएगा अल्लाह देता जाएगा, जो भी मांगना है अपने अल्लाह से मांग। व इज़स्तान तफस्ताइन बिल्ला, जब मदद की जरूरत पड़े तो मदद भी किससे मांग? अपने अल्लाह से मांग, तेरी दुनिया के काम, तेरी आखरत के काम सारे संवार देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे सारे काम बना देगा, सारे काम तुम्हारे संवार देगा। अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, सीधी और सच्ची खरी बात कहने वाले बन जाओ। सुन्न अबी दाऊद में एक हदीस आती है, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन मुझे कोई नसीहत कीजिए और बड़ी मुख्तसर और जामे नसीहत कीजिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लिख भेजती हैं। वो हदीस क्या है? सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिल तमसा रिज़ल्लाही बिसखतिन नास, जो बंदा अल्लाह की रजा ढूंढता है, अल्लाह की रजा का तलबगार बनता है, अल्लाह की रजा और खुशनुदी का मुतलाशी होता है, लोग नाराज होते हैं तो हो जाएं, रिश्तेदार नाराज होते हैं तो हो जाएं, दोस्त अहबाब नाराज होते हैं तो हो जाएं, कबीला बरादरी नाराज होती है तो हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। जिस इंसान की ये सोच बन जाती है, ये फिक्र बन जाती है और जिसके जीने का ये मकसद बन जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कफाहुल्लाहु मा बैनहु व बैनन नास, अल्लाह उसके सारे काम, सारे मामलात जो उसके और बंदों के दरमियान होते हैं, अल्लाह उन सब के लिए काफी हो जाता है, अल्लाह अपनी जिम्मेदारी पे ले लेता है। बंदे तू मेरा बन गया है, तूने मेरी खातिर दुनिया को नाराज कर लिया है, तूने मेरी खातिर अपने अजीज व अकारिब दोस्त अहबाब
सबको नाराज कर लिया है, मेरी रजा के लिए मन अहब्बा लिल्लाह व अबगज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, तेरी मोहब्बत मेरे लिए, तेरी नफरत मेरे लिए, तेरा किसी को देना मेरे लिए, तेरा किसी से रोकना मेरे लिए, तेरा ईमान भी मैंने मुकम्मल कर दिया और तेरी जिंदगी के लोगों के साथ ताल्लुक रखने वाले मामलात, फरमाया मैं उनके लिए काफी हो जाऊंगा। वमन इल्तमसा रिज़न नास बिसख़तिल्लाह, और जो बंदा लोगों को राजी करने के पीछे लग जाता है, लोगों की रजा का तलबगार बन जाता है, लोग खुश हो जाए, दुनिया खुश हो जाए, बॉस खुश हो जाए, रिश्तेदार खुश हो जाए, दोस्त अहबाब खुश हो जाए, बरादरी खुश हो जाए, बिसख़तिल्लाह, अल्लाह की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के दीन की कोई परवाह नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को कदमों तले रौंदा जा रहा है, कोई परवाह नहीं। वक्कलहुल्लाहु इलन्नास, फरमाया अल्लाह उसे फिर लोगों के सपुर्द कर देते हैं, अल्लाह उसकी कफालत से, उसकी किफायत से अपना हाथ उठा लेते हैं, लोगों के हवाले कर देते हैं, लोगों के सपुर्द कर देते हैं। तू लोगों की रजा का मतलाशी है, दुनिया के अंदर भी अब लोग ही तेरा काम बनाएंगे और मैदान महशर में भी ये ऐलान होगा, इधहबू इलल्लज़ीन कुंतुम तुराउन फिद दुनिया, जाओ उन लोगों के पास जिनकी खातर दुनिया में ये काम किया करते थे, फंजुरू हल तजिदून इंदहुम मिन जज़ा, और उनके पास कुछ बदला तुम्हें मिलता है तो जाके ले लो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये कितनी प्यारी और जामे नसीहत है जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस ख़त के जवाब में हदीस रसूल सल्लम की सूरत में लिख के भेजी। और हमारे लिए भी ये मशअले राह है, हमारे लिए भी ये बेहतरीन हिदायत है, बेहतरीन तरीक़ा है, खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हर खुतबे में सुनते हैं ना जी, बेहतरीन तरीक़ा किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। तो ये बातें सिखाई जा रही हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास को कि जब भी सवाल कर अल्लाह से सवाल कर, जब मदद मांग अल्लाह से मदद मांग, वालम और जान अन्नल उम्मता लविजतमअत अला अन यनफऊक बिशै, सारी दुनिया इस बात पे इकट्ठी हो जाए तुझे एक छोटी से छोटी चीज का फायदा पहुंचा लें, लम यनफऊक इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक, सारी कायनात मिलकर भी तुझे वो फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर और नसीब में लिख दिया है। वला विजतमऊ अला अन यदुरूक बिशैइन, और अगर वो इस बात पे एका कर लें तुझे कोई नुकसान पहुंचाएं, लम यदुरूक इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय उस नुकसान के जो अल्लाह ने तेरे लिए मुकद्दर कर दिया है, वो तुझे आके रहेगा अपनी मर्जी से कुछ भी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म सब पे गालिब है और अल्लाह पे कोई भी गालिब नहीं है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, अक्सर लोग नहीं जानते। सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, रुफियातिल अक़लाम जफ़्फ़तिस सुहुफ़, कलमें उठा ली गई हैं, सहीफे खुश्क हो गए हैं। वालम अन्नमा अख्ताक लम यकुन लियुसीबक वमा असाबक लम यकुन लियुख्तिक, और ये भी जान ले जो तुझे मिल गया है ये रहना नहीं था, ये तुझसे छूटना नहीं था, ये तेरा जाया नहीं होना था, और जो तुझे नहीं मिला जितना मर्जी जोर लगा दे ये तुझे कभी मिल भी नहीं सकता। तकदीर पर सबर, तकदीर पर शुक्र, तारफ इल्लाह फिर रखा यारिफ का फिर शिद्दा, ये बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह को पहचान जब तू खुशहाल होता है, जब तू नेमतों में होता है, जब तू खुशियों में होता है, जब तेरा माली माशी माशरती तौर पर मुस्तहकम मजबूत होता है, अपना ताल्लुक अल्लाह से कमज़ोर ना कर लेना, अल्लाह से राबता ताल्लुक जोड़ के रखना, मजबूत करके रखना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इंसानों को नेमतें मिलती है ना, कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा अर्रआहुस्तगना, सरकशी कब आती है, वो मेरे पास बड़ा आ गया मुझे क्या ज़रूरत है। कुरान में एक बड़े सरकश इंसान का जिक्र है, इन्न कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ी मा इन्न मफातिहहू लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कहने वालों ने कहा ये अल्लाह का फजल है, उसका करम है, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर,
कहा नहीं नहीं इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, ये मेरी स्किल्स हैं, मेरी महारतें हैं, ये मेरी मेहनतें हैं, मैंने खून पसीना बहाया है, मैंने फैक्ट्रियां लगाई हैं, मैंने दुकानें खड़ी की हैं, मैंने ये खेतों खलियान जो है वो तैयार किए हैं, ये सारा मेरा अपनी कमाई का पैसा है। इंजाम क्या हुआ? फ़खसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज, अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको भी उसके महल्लात को भी उसके खजानों को भी जमीन के अंदर, तेरा कुछ नहीं है, लहुल मुल्क, बादशाही उसी अल्लाह की है, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, जो कुछ भी है अल्लाह का, हुक्म भी उसका, बादशाही भी उसी की, लम यकुल लहू शरीकुन फिल, कोई उसका शरीक उसका साजी है ही नहीं। वालम, और आखिर में ये बात इरशाद फरमाई, तारफ इल्लाह फिर रखा, तो खुशहाली में अल्लाह को याद रख, यारिफ का फिशिद्दा, वो सख्तियों में तंगियों में परेशानियों में तुझे नहीं भूलेगा। परेशानी में हम फिर दौड़ते हैं ना जी अल्लाह की तरफ, फिर अल्लाह याद आता है, फिर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं हमारी मुनाजात कबूल हो, हमारे मरीजों को शिफा मिले, मेरी परेशानियां खत्म हो। उसका नुस्खा अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह परेशानियों में आपकी दुआ सुने तो आप खुशियों में अल्लाह को याद रखा करें। तारफ इल्लाह ही फिर रखा, यारिफ का फिर शिद्दा, वो सख्तियों में आपकी तरफ ध्यान रखेगा, आपको पहचानेगा, आपको भूलेगा नहीं। वालम अन्न नसर मा सब्र, और आखिर में ये फरमाया कि जान लो कि मदद कब आती है, सब्र के साथ। वन्नल फर्ज मा करब, दुख तकलीफ मुसीबत तंगी परेशानी बीमारी आती है तो फिर अल्लाह उसके लिए कोई फर्ज कोई आसानी की सूरत भी अल्लाह ही पैदा करता है। वह अन्न माल उसरे युसरा, मुश्किल आती है तो फिर आसानी भी आती है। तो अजीज़ भाइयों, हमें हर हाल के अंदर अपने सारे मामलात में अल्लाह की कुदरत कामला के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। वा अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, वा अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, क्योंकि अल्लाह उसका हुक्म सब पर गालिब है, उसकी बादशाही सारी अर्ज़ो समा कायनात दुनिया आलम अरवा आलम बरज़ख आलम आखिरत पर मुहित है। मैं और आप अल्लाह की मखलूकात में से एक हकीर सी छोटी सी मखलूक हैं। खुलिका मिम्मा इंदाफिक मिम्मनी योमना, एक पानी के कतरे से पैदा हुए और फिर अल्लाह ने ये वजूद बख्शा, ये शक्ल सूरत अता फरमाई, अक्ल शुऊर अता फरमाए और सही सही बनाया, किस लिए कि हम अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाएं, अल्लाह की बंदगी करने वाले बन जाएं और अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएं और अपने तमाम मामलात में अल्लाह पर तकिया करने वाले बन जाएं। फिर अल्लाह का ऐलान किया है, फिर मैं अपने बंदों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, और मिसालें मैंने पेश की हैं, अल्लाह फिर अपने बंदों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, अल्लाह मदद करता है, अल्लाह दुआएँ फिर कबूल करता है, अल्लाह दुनिया आखरत में आसानियाँ करता है, अल्लाह कामयाबियों के रास्ते खोलता है, अल्लाह दुश्मनों के शर से महफूज फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी सारी ज़िंदगी किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।